मजीद वानी उसका ब्लॉक उसका ब्लॉक 50 साल उसने वोट खाए यहाँ के क्या क्या बात है उसको बताओ उसने 10 साल कहाँ से खाए वो किसकी बात 10 साल भी रखो उसी मान 10 साल में आप लोगों ने ये है रेशो, ये आप देख रहे हैं रेशो पत्थर से इनकी दीवार गिर रही है। तो और गाड़ी ये देखो ये है दीवार, ये है रेशो, ये है रेशो, ये आप देख रहे हो, ये है जी रेशो, ये इनका मटेरियल, ये मटेरियल डालते हैं ये दीवारों में। इसलिए हम कहते हैं कि इस काम को दुरुस्त करो और हमारी जानों का जो खतरा चल रहा है, हम पर ये जो मौत बन रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का पैसा अच्छी जगह लगे और यहाँ पर डेवलपमेंट सही हो। और डीसी साहब यहाँ पे खुद आए और देखें कि मसला क्या है। वो जब यहाँ से जाते हैं वो होटल्स रेस्टोरेंट्स के अंदर रिबन काटने जा सकते हैं, अपना टाइम निकाल सकते हैं अपने ऑफिस से बाहर निकलकर, लेकिन ये पब्लिक की जो डिमांड है और सरकार का जो पैसा है वो एक्चुअली पब्लिक का पैसा होता है, वो अगर जाया हो रहा है उस पर उनके ध्यान क्यों नहीं जाता है। और रात तक यहाँ पे एजेंसी के लोग पहुंचे हैं, इस वक्त सीआईडी के लोग पहुंचे हैं या किसी और एसटीएफ के लोग पहुंचे हैं, लोग भी साथ यहाँ पे आए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा अभी तक हमारे पास नहीं आया जो इसका हमें यकीन दिलवाए कि ये रोड जो है फिर से दोबारा बनेगा, क्योंकि पहले भी 45 करोड़ रुपया यहाँ पे जाया हुआ है और बदकिस्मती हमारी है। और दोबारा जब हमने मेहनत की इसके लिए पैसा जब आया तो आज फिर ये कहीं जाने वाला है, जाया होने वाला है। ये दीवारें अभी खिसक रही हैं, कल को जब यहाँ पे लोग चलेंगे, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, ये हमारे टूरिज्म यहाँ पे जुड़ा हुआ है, डागनी है, दलद्रमन है, हमारा गुन्ना जुड़ा हुआ है, हमारा फ्यूचर, हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, एजुकेशन इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर एजुकेशन यहाँ पे स्कूल हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं गाड़ी भर के, अगर यहाँ पे ढंग का निकल जाता है तो गाड़ी नीचे जाए उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और कल को ये पैसा हमें कौन देगा? अगर 30 साल में हमारी बरात रोड नहीं बन पा रही है, 45 करोड़ खर्चा करके फिर 12 करोड़ दोबारा आया, आज अगर नहीं बनेगी तो कब बनेगी? और एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त सोई हुई क्यों है? क्या उनके जेब भरे हुए हैं? क्या मसला है? उनको ये सबूत ये प्रूव करना चाहिए कि वो इसमें मुलाविस नहीं है, वो चुप क्यों है, उनका उसका रीजन बताना चाहिए। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, हमारा मुतालबा है। और तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ना डीसी साहब खुद आए या किसी मखसूस अपने बंदे को ऑफिशियल बंदे को यहाँ पे भेजे जो हमारे साथ बात करेगा। अब जलबा है, कुछ लोगों ने हमें अभी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हमारे इलाके के आए जिन्होंने कहा कि अगर आप इस वक्त चुप नहीं बैठे तो ये रोज का काम ही बंद हो जाएगा। अगर इन्होंने ऐसा ही करना है, हमें डरा के धमका के रखना है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे किसी और पॉलिटिकल लोग हैं, अगर वो पब्लिक की आवाज दबाना चाहते हैं तो वो खुलकर कहे। बार बार हमारे नाम पे पैसा आता है और अगर उन्होंने हमें मारना है, क्योंकि ये स्लो स्टडी वो कहते हैं मिलता रहे, लेकिन स्लो स्टडी हमें कब्र में पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें एक साथ ही बम मारते हैं, हम हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। एक ही फैसला होगा, या हम जेल में जाएंगे तब हम चुप बैठेंगे, या हम कब्र में जाएंगे तब चुप बैठेंगे, ऐसे हम चुप नहीं बैठेंगे। इवन अगर हमारे वालदेन भी यहाँ आएंगे, हमारा मेरा बाप भी आएगा या इन जवानों के माँ बाप भी आएंगे, तब भी हटने वाले नहीं है। काम ठीक नहीं हुआ है, ये दीवार क्रैक हुई है। जब हम यहाँ पहुँचे हमने भी देखा कि इसमें काफी क्रैक्स आए हुए हैं, और साथ ही मजे की बात यह है कि यहाँ पे जो वो मेट जिसको कहते हैं हम सुपर, जो काम कराने वाला है, जो काम करता है यहाँ पे, तो उसको हमने यहाँ पाया कि उसने एक मिस्त्री लिया हुआ था और दीवार के बाहर की तरफ से जहाँ जहाँ पे क्रैक्स आए हुए थे उनको प्लास्टर करके फिल किया जा रहा है। और मैंने पर्सनली एडब्ल्यू साहब से फोन पे बात की, मैंने उनको फोटो भी सेंड किए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ आइए, यहाँ तशरीफ लाइए, आप देखिए कि काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर काम ठीक हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर टेक्निकली वो देख रहे हैं कि ठीक है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब जब हमें काम दिख रहा है कि जिस पत्थर को हम हाथ लगाते हैं वो उखड़ जाता है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से और एक्सएम पीएमजीएसवाई से कि इस रोड को देखें, इस रोड को देखें, इस पे नजर रखें कि ये काम सही से हो ताकि लोगों को परेशानी न हो। यहाँ पर एक डंगा लगा है तो पब्लिक ने कहा हम उसको देखें और लम्बरदार सरपंच वगैरह को भी आप चलिए। जब यहाँ पर आए हम तो हमने इनको, इनका जो सुपरवाइजर यहाँ पर था उससे सवाल किए
कि ये जो दीवार लगी ये देखिए दो चार पॉइंट दिखाए हमने, तो उसने माना कि यहाँ पर मिस्त्रियों ने कुछ गलत काम किया है। और इसलिए हम कहते हैं कि इस काम को दुरुस्त करो और हमारी जानों का जो खतरा चल रहा है, हम पर ये जो मौत बन रहा है ये नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का पैसा अच्छी जगह लगे और यहाँ पर डेवलपमेंट सही हो, ये किसी के घर का पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट हमारी पब्लिक के लिए दे रही है, हमारे वेलफेयर के लिए दे रही है। इसलिए हमारी इल्तिजा है कि सब हायर अथॉरिटियों से इसको वो पूरी उससे मद्देनजर रख करके इस पर एक्शन लें।